हूँ कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, मर गया, क्या हो गया, चैनल का आईडी पासवर्ड खो गया, लास्ट वीडियो थी भाई, यूट्यूब क्विट कर दिया। सो फाइनली 14 दिनों के बाद आफ्टर 14 डेज वी आर बैक। हमारे 2.5 साल के एक्सपीरियंस में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने इतना लंबा गैप लिया हो, 14 दिन का, मतलब समझ रहे हो ना, ये बहुत बहुत ही ज्यादा भयंकर हो गया। अब तुम्हारे मन में हजारों क्वेश्चंस, हजारों मैसेज, हजारों कमेंट्स, अब इन सब का साथ में मैं रिप्लाई करता हूँ कि 14 दिनों से आखिरकार मैं कहाँ था। वैसे तो तुम टाइटल देख के समझ ही गए होगे कि कुछ तो है अलग इस वीडियो में। हाँ बिल्कुल तुम सही हो। तो मैं तुमको इन शॉर्ट बताऊंगा जो भी कुछ है, जो भी कुछ नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर माई फैमिली और तुम लोगों से कोई चीज़ शेयर नहीं करूँ, ये चीज़ मेरे खुद को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डेली तुम आते हो, वीडियोज देखते हो, डेली कॉमेंट करके जाते हो, डेली पसंद करते हो, और हम दोनों के बीच में इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप 14 डेज का, तो तुम लोगों का जानना लाजमी है, तुम लोगों को जानना पड़ेगा एक्चुअल में क्या हुआ। देखो लास्ट कुछ टाइम से, लाइक 2-3, हाँ तुम बोल सकते हो 2-3 महीनों से, 2-3 नहीं तुम 6 महीने ले लो, लास्ट 6 महीनों से मेरी लाइफ पूरी इधर की उधर हो गई है। मतलब तुम पूरा ये साल ले लो, जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तब से मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो लास्ट 6 महीने से मेरे लाइफ के मतलब बहुत लंबे चौड़े और बहुत बुरे वाले लगे हुए, लेकिन लास्ट 3 महीने से, ठीक है 6 महीने तक तो छोड़ो, लास्ट 3 महीने से इतना ज्यादा रोलर कोस्टर राइड चल रहा है ना मेरे लाइफ में कि तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, मेरे को आ गया डिप्रेशन, वो भी बहुत ज्यादा भयंकर वाला मेंटल डिप्रेशन। अब मेंटल डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान पूरे तरीके से टूट जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ऐसा लगता है ना रुक सा गया है, और इंसान का दिमाग काम नहीं करता, वो एक चीज को लेकर स्टक हो जाता है और ओवर थिंकिंग में डूब जाता है। अब ये चीजें मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है, 5-6 साल पहले भी मेरे साथ ये सब हुआ था, ठीक है, तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही भयंकर हो गया। अब देखो इन चीजों का इम्पैक्ट कहाँ पर रहा है अभी के टाइम पे, उस टाइम हुआ था तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं था, मैं नॉर्मल से स्टूडेंट था, बट अभी के टाइम पे मेरे साथ सभी लोग हो, तो मेरे को अगर कुछ होता है तो मेरे को खुद से ज्यादा आप लोगों का सोचना चाहिए, जो कि मैंने नहीं करा। यस दिस इज माई फॉल्ट, एंड यही मैं आप लोगों से अपोलॉजी करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ कि हाँ मैंने की है गलती। इन फ्यूचर अब से कुछ भी होगा मेरे लाइफ में, मैं कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पे हावी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। मेरा पर्सनल लाइफ में भले ही कुछ भी चले, प्रोफेशनल लाइफ एकदम स्मूथ चलेगा और आपको कभी पता भी नहीं लगेगा क्या चल रहा है, क्या अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें मैं तुमको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि तुम्हारे भाई ने कमबैक कर दिया है, और बिलीव मी तुम मेरे पे विश्वास करो जैसे तुम लोग हमेशा से करते हो, भाई ने कमबैक कर दिया, अगर मैंने बोल दिया है तो कुछ भी हो जाए मैं अपने प्रॉमिस पे हमेशा अड़ा रहूंगा। अब तुम्हारे मन में वापस से क्वेश्चन उठ रहे होंगे, क्यों, कैसे, किस वजह से ऐसा क्यों हो रहा है। इन शॉर्ट मैं तुमको बता देता हूँ, जो भी था समझो कि ठीक है, जो भी था बस हो गया, एंड तुम्हारे भाई ने आप कर दिया है कमबैक, इतना समझो तुम, एंड कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक, और मैंने कमबैक कर दिया, इसका मतलब रेगुलर वीडियोस, रेगुलर एंटरटेनमेंट, सब कुछ बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। बहुत से अधूरे काम मैंने छोड़ रखे थे जिसको पूरा करना है। लास्ट 8-9 महीने से ना बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है जो कि मैं लिटरली स्क्रिप्ट करके रख रखा हूँ, प्लानिंग करके रख रखा हूँ, नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगा, पहले मैं सही से उन चीज़ों पर काम तो करने लगूँ। तो वो सारी चीज़ें सब की सब रुक गई है यार लास्ट 6 महीने से, लिटरली मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा, बहुत ज़्यादा, मैं लापरवाह सा हो गया था, बट अब नहीं, बहुत हुआ जो भी करना था, रुका था मैं, हारा नहीं था, थका था मैं, गिरा नहीं था। तो तुम लोगों को आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा, तो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड चिल करो, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी मेरे को तोड़ नहीं सकती है, ठीक है। अब आज से आएगी रेगुलर वीडियोस, तो चिल करो, हो सकता है मैं 30 डे 30 वीडियोस चैलेंज भी करूं, वैसे मैं थोड़ा सा टायर्ड हूं, बट आई विल ट्राई कि 30 दिन में 30 वीडियो चैलेंज हम करें वापस से, हमने अप्रैल में शायद से करा था, तो फिर से करते हैं, बस तुम लोग सपोर्ट दिखाना। 14 दिन बाद वीडियो आई है, लिटरली पता नहीं नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, रिकमेंडेशन होगा या नहीं, तुम लोगों से एक ही चीज का रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज वीडियो को शेयर कर देना अगर करना चाहते हो तुम लोग, तो अगर नहीं भी करना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी है। एंड हाँ, RIP ऑफ ओल्ड SYT,
जो कि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था मेरे खुद के दिमाग पे। अब ये नया SYT है जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देगा, बस खत्म। नहीं मर गया क्या हो गया, चैनल का ID पासवर्ड खो गया, लास्ट वीडियो थी भाई, यूट्यूब क्विट कर दिया, ये सब पूछने का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा अगर तुम इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर मतलब डेली अपडेट्स देते रहता हूँ। तो जाओ फटाक से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हम मिलेंगे आपसे फिर इस वीडियो में। आई लव यू ऑल गाइज, स्प्रेड लव।